जम्मू के सिधड़ा इलाके में बुधवार तड़के आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। सिधड़ा पुल पर सुबह पुलिसकर्मियों ने जांच के लिए एक ट्रक को रोका, जिसका चालक मौके से फरार हो गया और ट्रक में बैठे अन्य लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक को आग लगा दी, जिसमें 2 से 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। अभी इलाके की घेराबंदी की हुई है। कुछ दिन पहले सिधड़ा पुल के पास ही संदिग्ध परिस्थितियों में एक हैंड ग्रेनेड धमाका हुआ था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू जोन मुकेश सिंह ने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिधड़ा बाईपास क्षेत्र में तवी पुल के पास घने कोहरे के बीच सुबह तड़के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सर, कितने आतंकी मार गिराए गए सर? टोटल सर क्या हुआ सुबह, पूरा अगर बताएंगे हमें? सही नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर, क्या सर, क्या हुआ इसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च? ऑपरेशन के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ब्रिज को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। नीचे करो यार थोड़ा। जब ये सिधड़ा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर, ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है? ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है। उसकी तलाश के लिए सभी सिक्योरिटी फोर्सेज को मैसेज दे दिया गया। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अप्रिहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश। बता दें कि सिधड़ा पुल के पास 6 दिसंबर देर रात आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड हमला किया था। पुल पर मौजूद पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था। हालांकि हमलावर चूक गए और ग्रेनेड पास के एक बिजली के खंभे और पेड़ के बीच जा गिरा। खंभे पर छर्रे के निशान मिले थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके पर पुलिस, CRPF और सेना की टीमें मौजूद हैं। अभी संबंधित क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।